हाल में हुई थी एंड शिव शांति का 23 तारीख को आखिरी प्रपोजल दिया था। ब्याज दरें कम होती जाएंगी जैसे जैसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। आज अगर हम देखें तो अमेरिका में 4% पहुंचते हैं। हमारे यहाँ को ऐसे मंदी के दौर में ऐसे समय में भी सुरक्षा प्रदान करना और वो कार्य LIC पूरी तरीके से करने के लिए। अंतिम सवाल हमारा ये है कि किस तरह और ग्राहकों को लाभ होगा। LIC ने तो 5 करोड़ से लाखों करोड़ की वैल्यू बनाई, अब ग्राहकों को लाभ आखिर कहाँ से देगी LIC? क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि हम कोई भी लाभ और हानि के लिए काम नहीं करते, तो वो कितनी सी जमा पूंजी से शुरू हुए और आज 31 लाख करोड़ के एसेट्स पे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे भारत सरकार का डिविडेंड और टैक्सेशन के बाद में पूरे के पूरे बीमा धारकों के बीच में बांटे जाते हैं। और ये सूचित करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति होती है कि हम इसमें सेविंग बैंक से कहीं ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं जो भी हमारे साथ 20 साल 15 साल जो जुड़ा है उसके रिटर्न हमेशा सेविंग बैंक से कहीं बेहतर आते हैं। ग्राहकों के लिए सर कोई नई पॉलिसी? ग्राहकों के लिए कुछ पॉलिसीज जैसे टर्म इंश्योरेंस अभी आई हैं, जीवन अमर टेक टर्म, उसके अलावा जीवन शांति जो है वो रीलॉन्च की गई है जो काफी पसंदीदा पॉलिसी है।